तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टर्टल्स एटॉमिक मॉडल। आप लोग को पता होगा एटॉम का इतिहास, मतलब एटॉम का हिस्ट्री। एटॉम का हिस्ट्री क्या है? एटॉम जो है वो कनर द्वारा सबसे पहले कनर द्वारा बताया गया था कि एटॉम मतलब परमाणु बोलकर कोई चीज होता है। वो उन्होंने क्या किया था, आटा को एक मुट्ठी भर लिया था और उन्हें दबाते गया था। जब वो दबा रहे थे तो एक ऐसा पार्टिकल लास्ट में बच गया जो अनब्रोकेबल था, उनको तोड़ना इम्पॉसिबल था। तो उसी को वो नाम क्या दे दिए, अनब्रोकेबल सब्सटेंस मतलब कि परमाणु। उसके बाद ही इसका नाम पड़ गया क्या, एटॉम। डल्टन्स एटॉमिक मॉडल ये कहता है, फर्स्ट पॉइंट इसका है कि एटॉम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब हम लोग इसको कभी भी एटॉम को तोड़ नहीं सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉन्टेंस डिफरेंट मास, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट मास है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है सोडियम, कोई एक एलिमेंट है क्लोरीन, अगर दो एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है तो उनका अलग अलग मास होगा, ठीक है, उनका मास जो है एटॉम का वो अलग अलग होगा। इसके बाद ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स, मतलब जो भी मैटर होगा, कोई भी मैटर है, उनके जो पार्टिकल्स है वो किससे बने हुए हैं, एटॉम से। किससे बने हुए हैं, एटॉम से बने हुए हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे एटॉम्स। इसके बाद एटॉम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कोई भी एटॉम है जिसका, कोई भी एटॉम है, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉम है, ये मान लेते हैं एक एलिमेंट है, ये गोल्ड है, ठीक है, ये क्या है, गोल्ड है। ये पॉइंट के अनुसार, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो गोल्ड जो एलिमेंट है उनका आइडेंटिकल इन मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर गोल्ड के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली कोई एक मैटर है एलिमेंट है उनके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो बोल रहा है ये पार्टिकल्स अगर P1 नाम रख दे, इस पार्टिकल को P2 नाम रख दे, तो ये जो P1 है और P2 है इनका मास जो है वो सेम रहेगा। मतलब P1 का मास इज इक्वल टू P2 का मास होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, मतलब पार्टिकल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। बट बाद में इनके सारे बातें जो है वो गलत प्रूफ हो गए थे, सिर्फ एक बात सही था, क्या, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स, ठीक है। पहला पॉइंट था एटॉम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, हम लोग एटॉम को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। क्या हम लोग सच में एटॉम को कभी नहीं तोड़ सकते हैं? जब न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब ही होता है एटॉम को तोड़कर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कैसे गलत है, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉन्टेंस डिफरेंट मास, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके मास जो है वो डिफरेंट होंगे। पर हम लोग ऐसे बार्स के बारे में जानते हैं, एक एलिमेंट के और दूसरा एलिमेंट का मास जो है वो सेम हो सकता है, एटॉमिक नंबर अलग होगा और एटॉमिक मास सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार। तो आइसोबार्स के बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें बोला ही क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के पास सेम मास रह सकता है, तो ये पॉइंट भी गलत। तीसरा पॉइंट है ऑल मैटर, ये तो सही था। इसके बाद एटॉम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मास जो है सेम एलिमेंट का, एक कोई एक एलिमेंट का मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा। पर हम लोग आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है, जब कोई भी सेम एलिमेंट है उसका डिफरेंट डिफरेंट मास हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनका मास कितना है, प्रोटियम का मास 1 है, ड्यूटेरियम का मास 2 है, ट्राइटियम का 3 है, पर तीनों है क्या, हाइड्रोजन है, तीनों ही हाइड्रोजन है, मतलब सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास हो सकता है। मतलब मास हमेशा आइडेंटिकल होगा कोई एक एलिमेंट का, वो जरूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना है,
वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय.